रोहतास जिले के सासाराम विधानसभा क्षेत्र के गिजवानी गांव में लोगों ने किया वोट का बहिष्कार। अभी तक कोई भी मतदाता नहीं पहुंचा मतदान केंद्र। आखिर क्या है, पूरी रिपोर्ट देखिए। मतदाताओं ने किया मतदान का बहिष्कार। लोगों का कहना है कि हमारे गांव में आने जाने का रास्ता नहीं है, तो ये दिखाना है कि नदी पर पुल का निर्माण कराया जाए, जिससे हम ग्रामीणों को हमारे गांव में आने जाने की सुविधा हो जाए और हमारे गांव के बच्चों को स्कूल जाने में जो कठिनाई होती है वह नहीं होगी और हमारे बाकी काम भी इस पुल के द्वारा आसान हो जाएंगे। यहाँ से तकरीबन 1.5 किलो या 2 किलोमीटर का नदी है, फोर लाइन से 1.5-2 किलोमीटर अगर पुल नदी में बन जाता तो 1.5-2 किलोमीटर में हम गांव में आ जाते। अगर पुल नहीं बना तो पहाड़ पार करके यहाँ से 10 किलोमीटर जाना पड़ता है हमको, और वो भी रास्ता नहीं है, पहाड़ी चढ़ के जाना पड़ता है। इसके बाद में स्कूल पर जाने की रास्ता नहीं है। अगर काउ नदी में पुल बन जाता तो हमारे यहाँ 1.5 से 2 एकड़ जमीन वहाँ है स्कूल के लिए। जब से यहाँ आज़ादी है, सरकार से आज़ादी मिला हम लोग, वहाँ से इंग्लैंड के जो अंग्रेज था, अंग्रेज से जब आज़ादी मिली हम लोग को, तो आज़ादी से आज तक जो स्कूल है प्राथमिक विद्यालय यानी पाँचवा क्लास तक ही रह गया, और जो टोला है वहाँ साला हाई स्कूल हो गया, मिडिल हो गया। यहाँ जबकि जमीन रहते हुए पुल नहीं रहने के कारण वहाँ स्कूल तक नहीं बना। तो बच्चे प्राथमिक स्कूल ही है क्या इस गांव में? बस प्राथमिक ही स्कूल है, मिडिल ही स्कूल नहीं है। कितनी आबादी है गांव की? यहाँ आबादी लगभग है, लगभग यानी 1-2-3 वार्ड है। हाँ। जिसमें 3 वार्ड में 1 वार्ड अलग बट जाता है, लेकिन 2 वार्ड मान के चलिए पूरा। हाँ। 2 वार्ड में यहाँ 2000 से पार करके आबादी है। तो मिडिल स्कूल भी नहीं है? मिडिल स्कूल भी नहीं है। तो यहाँ के बच्चे जो होते हैं, यहाँ के बच्चे यहाँ से लगभग करीब करीब 4-5 किलोमीटर दूर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? करवंदिया या सासाराम या फिर या सासाराम या करवंदिया। तो पिछली बार जो विधायक बने हैं, पिछली बार विधायक नहीं, सुनिए हम बतला रहे हैं, पिछली बार नहीं, जो गोपाल नारायण बने यहाँ के विधायक, वो भी कहे कि नहीं हम बनवा देंगे। हाँ। लेकिन वो भी नहीं ये काम को पूरा कर पाए। उसके बाद में जंगी चौधरी आए, वो भी नहीं कर पाए। इसके बाद में आनंद मोहन आए, वो भी नहीं कर पाए। उसके बाद में ये अभी जवाहिर आए थे, वो भी नहीं कुछ किए। इसके बाद अशोक आए, सब वादा कर करके लेकिन कुछ कोई कुछ करता नहीं है, जीत के जाता है यहाँ से, वोट सबके एक मुहे है यहाँ। जो कहेगा कि इधर दो तो उधर दो, इधर वोट यहाँ से कोई मतलब कि इधर उधर जाने वाला नहीं है, एक तरफ जाता है, लेकिन कोई यहाँ के सुनने वाला नहीं है। तो इसी के वजह से हम लोग वोट बहिष्कार किए। प्रशासन उशासन का टीम आया यहाँ पे? हाँ, यहाँ प्रशासन का टीम आया था। कौन कौन आया? प्रशासन का टीम अभी यहाँ BDO आई थी, इसके बाद में ASP आए थे। हाँ। इसके बाद में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आए थे। DM सब आए थे कि नहीं? DM सर अभी नहीं आए हैं। हाँ। हो सकता है आएंगे। कहाँ पे बूथ है आप लोगों का? यहाँ बूथ है लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर लगभग। पूरी ग्रामीण ने वोट नहीं दिया या फिर ना, कुछ लोगों पूरी ने? पूरी ग्रामीण ने वोट नहीं दिया। हाँ। एक भी वोट नहीं पड़ा यहाँ से, आक्रोश के कारण। हाँ, आक्रोश के कारण, यही कारण। और तो महिलाएं वहिलाएं भी क्यों, किसी ने वोट नहीं दिया? नहीं, कोई महिलाएं भी नहीं दी। महिला का कितना वोट होगा यहाँ पर? महिला का वोट लगभग 500 होगा, 500 करीब। क्या क्यों वोट का बहिष्कार कर दिया गया यहाँ पर? हमारा नाम, क्या नाम है आपका? सवान ग्राम गिजवाही पोस्ट करवंदिया थाना थसरा जिला रोहतास के रहने वाला है। हमारा गांव में काई नदी में पुल नहीं है, इसलिए हम लोग वोट जीतना है उसको बंद कर दिया है। साफा हम लोग नहीं देते हैं किसी के। रोड भी नहीं है हमारा गांव में, इसलिए स्कूल पर जाने के भी साधन नहीं है कोई के। कोई भी बच्चा जाता है तो उतना ही कचरा में आर धके जाता है। इतना हम लोग के नेता के देखे, इतना विधायक के देखे, गोपाल नारायण के जिता कर हम देखे, फिर चौरसिया जी के जिता कर देखे, इसका बाद में फिर आनंद मोहन के जिताए, उसका पापा के जिता के देखे चुके, फिर इसको जिताए हम जवाहिर जी के जिताए, अशोक जी के जिताए, सारा वही कहते हैं वो चलता है, मदारी ऐसा करता है वो। तो आप लोग नोटा का क्यों नहीं प्रयोग किए? नोटा का वो लोग नहीं करेंगे। हमारा यही सम्मांग है कि हम लोग वोट नहीं देंगे, जब से हमारा पुल नहीं बनाएगा तब से हम वोट नहीं देंगे, जब से रोड नहीं आएगा तब से वोट नहीं देंगे। उसको आने का भी साधन नहीं है तो वो क्या आएगा हमारा गाँव में? तो यहाँ बड़ा बड़ा नेता बन जाता है, करते हैं वह करते हैं, बाइक लेके आते हैं चाहे 4-व्हीलर लेके आते हैं, आने के यहाँ बस्ती में जगह है तो कैसे चलेंगे? जो चुनाव कराने चुनाव मतदान कर्मी आए उनका भी विरोध हुआ है क्या? नहीं, उसका नहीं विरोध। तो लोग नहीं, किसी के विरोध नहीं है। हम लोग यही विरोध किए हैं कि हम लोग वोट नहीं देंगे, जब से हमारा मांग नहीं पूरा होगा तब से हम वोट नहीं देंगे। चलिए, जब से हमारा पुल नहीं बनेगा तब। कितने दिनों से रोड नहीं बना है बाबा? कितने दिनों से रोड नहीं बना है? आपकी उम्र तो काफी है। रोड कहा पुल पर नदी पर बेटी बहन कुल लुगा उठा। हाँ। जा रहा बाद भी
उनकी बड़ी दिकदारी में बनी जा पुल नहीं बनाया वहाँ पे ना। आज समझी भाई रोड देखते बनी हम के पहाड़ पहाड़ के बीच में नीचे मांझा कहीं जगह नहीं थे उनकी बड़ी रास्ता के कमी हो पाई। तो आप भी वोट का बहिष्कार कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं इसका? सब कर, पूरा गाँव कर रहा है, पूरा गाँव कर रहा। इसके बाद भी अगर रोड नहीं बना तब क्या करेंगे? बहिष्कार करते रहेंगे। तो किसी को डीएम वीएम को यहाँ खबर हुआ है क्या कि वोट का बहिष्कार हुआ है? क्या नाम है बाबा आपका? हरि नारायण। या फिर करवंदिया जाना पड़ता है या फिर सासाराम जाना पड़ता है। अब ऐसे में ग्रामीणों का गुस्सा सातवें आसमान पर है और यही गुस्सा वोट बहिष्कार में तब्दील हो गया है। मैंने यहाँ पुल और सब दो रोड की व्यवस्था की। चल कितना बूथ नंबर है ये? 236। अरे 236 जी। दो बूथ है यहाँ पे? हाँ। टोटल मतदान ये कितना है इस पर है? रूम नंबर 1 पर है 513। हाँ। और रूम जो पे एक और बूथ है वहाँ 492 की। अप्रोक्स कितना है मान के चले तो टोटल वोट यहाँ पे दोनों मतदान पे मिला के? हाँ तो दोनों 1000 के आसपास। हाँ वही 1000। एक भी वोट पोल नहीं हुआ यहाँ पे? नहीं। कोई अधिकारी को सूचना, डीएम साहब को सूचना मिली है? हाँ वो आए थे प्रखंड विकास अधिकारी और सेक्टर मजिस्ट्रेट लोग आए। हाँ तो आप लोगों ने इसकी जानकारी दी? हाँ जानकारी दी, लोग उनका साइन भी कराए। ग्रामीणों का समझाने का प्रयास नहीं हुआ यहाँ पे? वीडियो में बहुत वीडियो मैंने बहुत समझाए। आपका क्या नाम है? कामेश्वर प्रसाद। यहाँ पे क्या है? क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।